किस स्थान पर रहते हैं ये चर्चा हम सभी कर रहे हैं और सभी इस रामचरितमानस की इसमें ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। मैं प्रारंभिक उद्बोधन करना भूल गया हूँ तो उसके मान लेना कि मैं प्रवाह में चल रहा हूँ। इसलिए सभी उपस्थित जितने भी हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो रामचरितमानस का प्रवाह है कथा प्रवाह उसमें तुलसीदास जी ने काव्य के साथ लालित्य लालित्य के साथ अलंकार अलंकारों के साथ व्याकरण का इतना अद्भुत और उसमें अवधि भाषा सबसे बड़ी बात है हिंदी भाषा में तो हो भी सकता है अवधि भाषा में जैसा कि उनको आदेश था कि उस भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो उन्होंने उसी भाषा में प्रस्तुत किया है। और हम लोगों ने अभी जिन घरों की चर्चा की हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं पाँचवें घर तक तो पांच घरों की चर्चा की। इन पांच घरों के बारे में किसी को कोई विवाद तो नहीं है कोई डिस्प्यूट तो नहीं है कि पांच घरों में नहीं रहना चाहिए अपने भगवान को भगवान के लिए श्रेष्ठतम आवास है 14 भुवन के स्वामी श्री राम। 14 भुवन के स्वामी श्री राम जहां रहेंगे वहां परमात्मा की चेतना का निवास होगा। लोग बाग एक शब्द में कन्फ्यूजन रखते हैं कि भगवान कौन है ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर यानी परब्रह्म परमात्मा जो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर गीता में 9वें अध्याय में और फिर 8वें अध्याय में बड़ी अच्छी व्याख्या आई है इसकी पूरी समझने की कोशिश करेंगे। युग गीता का भाग 5वां और 6वां आ रहा है अभी तो उसमें पूरी व्याख्या है विस्तार से अभी संपादन हो रहा है उसका लिखी जा चुकी है ऑलरेडी अखंड ज्योति में आती है। तो 8वें 9वें अध्याय में ये आया है कि जो हम लोग अपनी भावना के अनुसार जो अपनी आकृति बनाते हैं वो हमारा ईश्वर है वो ईश्वर है जिसके लिए हमने अपने आराध्य को बना रखा है गायत्री माता को बना रखा है सब हमारे ईश्वर हैं ये मनुष्य ने गढ़ा है। पर परमेश्वर जो है ऐश्वर्यमान सत्ता को ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्य जिसके पास ऐश्वर्य है इतना धरती का ऐश्वर्य आकाश नक्षत्र ब्रह्मांड का नक्षत्र ऐश्वर्य ऐश्वर्यमान सत्ता लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक का ईश्वर है। और परमेश्वर जो है परब्रह्म परमात्मा है परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म परमात्मा को तत्व से जानना बड़ा मुश्किल है इसलिए भक्ति का सहारा लिया जाता है ज्ञान से नहीं पाया जा सकता इसलिए भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा को कैसे पाएं कैसे समझें वो समझना भी बड़ा मुश्किल है समझने के लिए भी बहुत बहुत अक्ल लगानी पड़ती कितने ज्ञानी लोग न जाने कितना पढ़ गए न जाने कितना कई वर्षों तक मैंने बताया था ना कल कि 14 साल में साधना सफल होती है 16 साल में योग साधना 16 साल में तंत्र साधना 14 युगों में 14 जन्मों में 16 जन्मों में तंत्र साधना सफल होती है। जब इतना समय लगता है तो आदमी कहेगा इतना धैर्य किसके पास है हमको इसी जन्म में मिल जाए तो इसी जन्म में पाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है भक्ति निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति से बढ़िया कोई तरीका नहीं परमात्मा को पाने का और परमात्मा को पाने के लिए निष्काम भक्ति के लिए रामचरितमानस श्रीमद् भगवद्गीता दोनों ही एक माध्यम है।
आज एक किसी बच्चे ने लिखा योग वशिष्ठ के बारे में, तो अगली क्लास जो है योग वशिष्ठ के बारे में लेंगे। योग वशिष्ठ का ज्ञान बड़ा गूढ़ है, उसमें ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान कथा अंतर कथा अंतर कथा अंतर कथा। तो कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर कथाओं में रुचि तब आती जब भक्ति हो। तो वहां भगवान राम प्रश्न पूछते हैं, योग वशिष्ठ जवाब देते हैं। यहीं देवप्रयाग में ये भगवान राम ने निवास किया था, वानप्रस्थ आश्रम में, तो वहीं ये कथा का संवाद चला था। तो योग वशिष्ठ उसी संदर्भ में है। योग वशिष्ठ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बहुत अच्छी किताब है, पर योग वशिष्ठ को समझना गुड़, मैं योग वशिष्ठ के ऊपर एक क्लास ले लूँगा पर 9 दिन तक नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसका कारण क्या है कि मैं तो पढ़ा लूंगा पर मैं उसका ज्ञान गुणगान करता रहूंगा, तुम्हारी समझ में ऊपर से निकल जाएगी, बहुत दिक्कत होगी तुमको। इसलिए वो चीज़ जो बहुत सुगम है, सबके लिए पैलेटेबल है और सुपाच्य है, सुपाच्य होना चाहिए। आहार सुपाच्य न हो तो अजीर्ण हो जाएगा, और अजीर्ण हो जाएगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए श्री राम वाल्मीकि संवाद में जो शुरू के 5 तक हम चर्चा कर चुके हैं, 6 में चलते हैं। अभी एक छोटा सा गीत जो गाया, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उसे राम के सांचे में ढलना होगा हमें, है ना। लोग रामायण पढ़ते हैं और रामायण की दुहाई भी देते हैं, ना जाने कितने लोग रामायण रटी हुई है उनको, पर रामायण जीवन में नहीं उतरती। उसका कारण क्या है कि हम लोग रामायण के मर्म को नहीं समझ पाते। भगवान यह कहते हैं कि जो 5 घर बताए हैं उसमें आखिरी में बताया था उन्होंने, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुमसे ज़्यादा गुरु को जो मानो, जो गुरु को आपसे भी बड़ा माने। भगवान राम जो है उन सेकेंडरी हो गए और सबसे शीर्ष पर किसको बिठा दिया, गुरु को। तो गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। जो अपने गुरु को उतना बड़ा स्थान देता है वो भगवान को भी फिर निश्चित रूप से मानेगा। तो इसके पश्चात वो कहते हैं, दोहा आता है 129वें नंबर का दोहा, यहां से चालू करते हैं 6 नंबर की व्याख्या। 129 नंबर का दोहा हो गया था, 129 नंबर की बाद चौपाई, पहली चौपाई। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। हे रघुराम, हे रघुराय, आप वहां बसिए जिनके जीवन, जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है। एक ही चौपाई में उन्होंने लिखना चाहें लिख सकते हैं, काम क्रोध मद मान मोह, काम क्रोध मद मान मोह, लोभ क्षोभ राग द्रोह, लोभ क्षोभ राग और द्रोह, दंभ कपट और माया, कितने हो गए, 11, है ना। 11 दुर्गुण हुए कि नहीं, ये 11 दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तिनके हृदय बसे ही रघुराय, राग और द्वेष, जिनके दो, जहां पे लिखा है ना द्रोहा, द्रोह का मतलब है द्वेष, राग और द्वेष नहीं। गीता में भी कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, इन दो चीजों से तू परे चलना, ड्यूअलिटी, दिस इज द ड्यूअलिटी, इन दोनों में फंस जाएगा तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। इसलिए राग और द्वेष से मुक्ति, काम और क्रोध से मुक्ति, मद और अभिमान से मुक्ति, ये पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, पर करने में बड़ी मुश्किल आती है, थोड़ा कठिन लगता है। कोई कैसे छोड़ देगा आखिर, ये शरीर भूल भुलैया है,